अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल इरम्स बरकत किचन। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो उन्हें लाइक करें, खूब शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। फ्रेंड्स, आज हम आपको विंटर स्पेशल गाजर के हलवे की रेसिपी बताने जा रहे हैं, जो सभी का फेवरेट होता है। चलिए तो बनाना शुरू करते हैं। गाजर का हलवा बनाने के लिए ये हमने 2 किलो गाजरें ली हैं। गाजरों को हमने बारीक बारीक इनका छिलका उतार दिया है, इन्हें पील किया हुआ है हमने। इसके बाद हम गाजरों को ग्रेट करेंगे। गाजरों को हमें ग्रेट कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से हमें सारी ही गाजरों को अच्छी तरह से ग्रेट कर लेना है। थोड़ा मोटा यूज किया है हमने, इसमें कई साइजेस होते हैं, तो जो ज्यादा मोटा हो वहां से ही ग्रेट करें हम। सारी ही गाजरों को हमने ग्रेट कर लिया है, कद्दूकस कर लिया है। अब हम गाजर का हलवा बनाना शुरू करते हैं। गाजर के हलवे को हम एक बड़ी कढ़ाई में बना रहे हैं, काफी भारी कढ़ाई है। फ्लेम को हाई ऑन कर देना है और सारी ही गाजरों को जो हमने कद्दूकस की हुई है कढ़ाई के अंदर डालना है। सारी गाजरों को कढ़ाई में डालने के बाद हमें इसको इसके पानी को खुशक होने देना है और इसमें रेगुलर स्पून चलाते रहना है। थोड़ी देर हम फ्लेम को हाई रखेंगे, जब अच्छी तरह से गर्म हो जाएगी कढ़ाई तो हमें फ्लेम को लो कर देना है और लो फ्लेम पर ही हमें गाजरों के पानी को खुशक होने देना है। थोड़ी थोड़ी देर बाद हमें चम्मच चलाते रहना है इसके अंदर और इसे ऊपर नीचे करते रहना है। गाजरों का पानी पूरी तरह से खुशक हो जाना चाहिए। गाजरों के अंदर अभी भी थोड़ा पानी है तो फ्लेम को हम हाई कर रहे हैं और हाई फ्लेम करके इसका पानी को खुशक कर लेंगे। देखिए, गाजरों का पानी बिल्कुल खुशक हो गया है। पानी खुशक हो जाने के बाद हमें गाजरों के अंदर 1 ग्लास दूध ऐड कर देना है और दूध के साथ गाजरों को पकने देना है। अच्छी तरह से मिक्स कर दें। फ्लेम को हाई ही रखना है अब, और जब तक दूध के साथ गाजर और दूध दोनों खुश्क ना हो जाए तब तक इसे पकाना है। हाई फ्लेम करके हमने 15 मिनट खूब अच्छी तरह से पका लिया है दूध के साथ गाजरों को। अब हम इसके अंदर 300 ग्राम चीनी ऐड कर रहे हैं। सकती हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लें। फ्लेम को रेगुलर हाई रखना है और हर थोड़ी देर बाद चम्मच जरूर चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है गाजर के हलवे को हमें, तभी हमारा बहुत बढ़िया हलवाई जैसा गाजर का हलवा बनकर तैयार होगा। बहुत ज्यादा पानी हो जाएगा तो हमें इस पानी को बिल्कुल खुश्क कर लेना है और गाजरों को एकदम कस लेना है, बिल्कुल पानी नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी। चम्मच चलाते रहें और इन्हें भूनते रहें, बिल्कुल पानी खुश्क चाहिए हमें। गाजरें अब खुश्क होनी शुरू हो गई हैं, बहुत अच्छी तरह से कस लेना है हमें, बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए। देखें, अब इसका पानी बिल्कुल खुश्क होता जा रहा है। गाजरों का पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है, अब ये बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हम आगे की तैयारी करते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर अब केवड़ा ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून केवड़ा डाला है हमने, इसे मिक्स कर देंगे। फ्लेम को हमने हाई ही रखा है अभी भी। केवड़ा डालकर मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर खोया या मावा ऐड करेंगे। आधे खोए का इस्तेमाल कर रहे हैं अभी हम। खोए को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे गाजरों के अंदर। गाजरों
कर रहे हैं हम। घी गरम हो गया है, अब हम इसके अंदर 3 से 4 हरी इलायची को हमने क्रश किया हुआ है उसे ऐड कर देना है। हरी इलायची को हल्का सा गोल्डन होने देना है हमें। घी अच्छे से गर्म हो गया है, इलायची भी गोल्डन हो गई है, अब हमें ये सारा घी गाजर के हलवे के अंदर डाल देना है। जैसा फ्लेवर है इसका, आप जरूर इसको सेम मेथड से बनाएं। अब हम इसे हलवे को हम खोए और ड्राई फ्रूट से गार्निश करेंगे। खोए से गार्निश करने के बाद हम कुछ केशव नट्स, काजू और बादाम, एलमंड्स को हम इससे गार्निश करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही जबरदस्त लाजवाब हमारा हलवा बनकर तैयार है, एकदम हलवाई जैसा फ्लेवर देगा ये आपको। जरूर बनाएं सेम मेथड से, इंशाल्लाह आपको मेरी ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़।